बोतलों का नो गई थी के तेरे पे कुछ भी ना हो है। हे गाइस, राम राम, हेलो, नमस्ते, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल जोनी शर्मा। तो आज हम जाने वाले हैं साइकिल ट्रिप पे जो कि स्टार्ट होने वाली है 300 किलोमीटर की। तो आज फर्स्ट डे है, तो आज 70 किलोमीटर करने हैं हमको। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 5, थोड़ी देर में नहा धो के 6 बजे निकल लेंगे। गाइस, नहा धो के ऑल सेट, और ये बैग ले लिया हमने, इसमें लगते हैं मेरे, और पानी की बोतल भी ले ली है। और सुबह 5 बजे इसलिए उठा मैं क्योंकि रात को 12 बजे सोया था एडिटिंग करके। तो अब टाइम हुआ है 6, तो अब चलते हैं साइकिल पे। तो गाइस, साइकिल करती बार चलते हैं। जाओ पापा, बाय मम्मी। तो गाइस, सूर्यदेव महाराज भी निकल लिए हैं, 3-4 घंटे के बाद बहुत तगड़ा काम आने वाला है, फटने वाली है देख। तो गाइस, सुप्रा चौक पे आ गए थे और यहाँ से सीधा गुआना 35 किलोमीटर। तो गाइस, रोहतक पार हो गया, गुआना आ जाएगा जल्दी ही। स्टॉल आ गया है, इस साइड से चलते हैं। और अभी अभी डिसाइड किया है कि 70 किलोमीटर नॉन स्टॉप करेंगे। बोतलों का नो गई थी के तेरे पर कुछ भी ना हुआ है, और इतनी गर्मी है, गर्मी में मर जाएगा। तो देख लो भाई, 70 किलोमीटर नॉन स्टॉप। यार ये फ्लाई ओवर है 3-4, बिल्कुल फटने वाली हो। 20 किलोमीटर हो गए, गुआना 21 किलोमीटर रह गया। हार नहीं माननी है, फ्लाई ओवर गाइस। धन्यवाद दी, और इस दिन के लिए मैंने सच में रोज लेग्स की एक्सरसाइज करता था, अब काम आ रही है वो 30 किलोमीटर में कोई पता नहीं चला क्या हो रहा, क्या मैं चलता जा रहा हूँ। मैं इस जहाज में भी जा सकूँ था, बट आई चूजन दिस प्लेन बिकॉज आई लव दिस। एक और फ्लाई ओवर, ये दुख का है खत्म नहीं होता रे। ये आ गया गाइस गुआना, 35 किलोमीटर हो चुके नॉन स्टॉप और हाफ वे डाउन। ब्रेकर आ गया था, आ गया गाइस गुआना फाइनली। 35 किलोमीटर हो गए और 35 किलोमीटर हो रहे गए नॉन स्टॉप। पर यार इस गूगल मैप ने और मेरा नहीं कौन कौन सी ट्रल में पाट दिया, किसी का पूछ लेंगे। तो गाइस, 50 किलोमीटर डन, 6 बजे निकला था और 8 बज गए, 2 घंटे हो गए, मतलब कि 25 किलोमीटर्स की एवरेज आ रही है पर आर। पापा का भी फोन आया था और पानी भी पिया, तो साइकिल पे ही पिया है, नीचे रुक के नहीं पिया, नॉन स्टॉप बिल्कुल पाव भी नहीं टेक एक बार। और ये सारे मन पाग समझने लग रहे हैं, पाग पछ चल रहा है। गाइस, ये तो बताना भूलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सफ़ीदों के पास आठ गाँव, वहाँ पे मेरे मामा के यहाँ, उनको सरप्राइज करूँगा साइकिल पे आ गया, देखते उनका क्या रिएक्शन। ये हो गया खत्म पानी, 20 किलोमीटर और रह गए, प्यास तो और लग गई, रुकना नहीं है बेटे। लास्ट 15 किलोमीटर रह गए, भूख लग रही है, सुबह कुछ नहीं खा था, पानी खत्म हो गया, प्यास लग रही है, नींद भी आने लगी, और माय बॉडी नीड्स रेस्ट बट माय माइंड डजंट लव। लास्ट 15 किलोमीटर्स लास्ट 10 किलोमीटर्स और रह गए,
प्यास लग रही है बहुत जोर की। पहले तो जस्ते 2-3 ग्लास पानी पीऊंगा। गदागद गदागद गाइस 9 बज गए, वीडियो आ चुकी है, उसकी भी स्टोरी भी और अपलोडिंग भी साइकिल पे ही की है। कहीं नहीं रुका, पाव भी नहीं टेका कहीं पे, बिल्कुल नॉन स्टॉप। फाइनली 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 पहुंच गया, थोड़ी दूर और रह गया। आ गया था गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो इस मंदिर पे है। तो पहुंच गया था गाइस, सबसे पहले पानी पीना मेरे को। हाँ साइकिल पे आया हूँ ना, साइकिल पे आया हूँ। नानी की सुन, वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बना रखी है। जाने के बाद सो गया था मैं, और फिर ये बुक पढ़ ली थी उठने के बाद, और मैं वो जिद पे अड़ा था कि पानी नहीं पीऊंगा लास्ट के 10 किलोमीटर्स में। उसकी वजह से मेरे को डिहाइड्रेशन भी हो सकती थी, तो हुआ तो कुछ नहीं। पर तो अब चलते हैं अटकेश्वर धाम पे, जो यहाँ पे आठ में है हमारे गांव में, मामा जी के गाँव में, उसमें चलते हैं। गाइस वो तीर्थ, ये ऊपर दधीची ऋषि की मूर्ति है। ये स्वर्ग धाम, ये है गाइस घाट, स्नान घाट, बहुत बढ़िया लोकेशन है। अरे मैं पलटी पलटी रोक दूँ। तो गाइस यहाँ पे नहा लिए थे, फुल मजा आ गया, और 70 किलोमीटर साइकिल चलाना वर्थ रहा। थोड़ा ही पानी इसमें छाती तक का, मजा आ गया। यहाँ से ये दूधाधारी वाला मंदिर, कल आएगी इसकी फुल वीडियो। महाभारत से जुड़ा गांव है ये, और यहीं पे हमारा मामा जी का घर है। आज के 70 किलोमीटर्स हो गए कंप्लीट। आने के बाद वहाँ से रोटी खा ली थी, और अब एडिटिंग भी कर ली है, अब सोने का टाइम हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ये उड़ा